जब भी शतरंज की चर्चा होती है सबके दिमाग में कुछ चुनिंदा पुरुषों के नाम ही आते हैं। भारत की महिलाओं में शतरंज का हुनर पुरुषों के अपेक्षा बहुत कम आंका जाता है, लेकिन इस मानसिकता को पीछे छोड़ते हुए भाग्यश्री साठे शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला बनी। आइए जानते हैं 28 अगस्त के दिन ग्रैंड मास्टर बन नया कीर्तिमान स्थापित कर देने वाली भाग्यश्री की कहानी। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा और तीरंदाज हिस्ट्री में आपका स्वागत है। भाग्यश्री का जन्म 4 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था। वह शुरू से ही बहुत होशियार थी और शतरंज में उनकी दिलचस्पी महज 12 वर्ष से पैदा हो गई थी, लेकिन पढ़ाई के कारण वह पूरा ध्यान शतरंज में नहीं दे पाती थी, इसलिए उन्होंने बाद में इसे अपना मुख्य शौक बनाया। सन 1979 में उन्होंने मद्रास नेशनल विमेंस चैंपियनशिप में भाग लिया और 8वां स्थान प्राप्त किया। इसके 6 साल बाद उसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने सन 1985 से 1994 के बीच 5 बार इंडियन विमेंस चैंपियनशिप जीती, साथ ही सन 1991 में एशियाई चेस चैंपियनशिप जीती। जीत के सफर का सबसे गौरवशाली पल तब आया जब उन्होंने YMCA नेशनल विमेंस चेस चैंपियनशिप जीत ली। इतनी सारी जीतों के बाद उन्होंने वह कर दिखाया जो इससे पहले किसी महिला ने नहीं किया था। 28 अगस्त 1986 को वह इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी। भारत सरकार द्वारा सन 1986 में उनको पद्मश्री एवं सन 1987 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे ही आपके काम की, ज्ञान की और रोचक खबरों के लिए तीरंदाज.com से जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल तीरंदाज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज तीरंदाज को फॉलो कीजिए। इन सभी के लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।